नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सभी भूमिहीनों के पास अब अपनी जमीन रहने वाली है, जिसकी जानकारी खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दी है। उन्होंने ही कहा है कि सभी भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्हें अब भूमि का पर्चा देने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 साल से गरीबों को राशन भी उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। साथ ही अब जरूरतमंद गरीबों को 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। ये बातें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हाल ही में जिला प्रशासन की तरफ से समाहरणालय सभागार में आयोजित पर्चा वितरण शिविर में बोलते हुए कही है। आयोजित इसी शिविर में 175 लोगों के बीच 4 एकड़ 90 डिसमल जमीन का पर्चा वितरित किया गया। बिहार के भूमि सुधार एवं आवास मंत्री रामसूरत रॉय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों को स्मार्ट गांव में तब्दील करने का काम किया जा रहा है। इसमें भी रजौन प्रखंड में 8 एकड़ जमीन पर गरीबों के लिए स्मार्ट गांव बनाने का काम किया गया है। उनका नाम मोदी और नीतीश नगर रखा गया है। साथ ही बांका जिले का मॉडल पूरे देश में लागू किया जाना है। मंत्री जी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे लोग जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको चिन्हित कर बिहार सरकार 3 दशमलव जमीन देने का काम कर रही है। ऐसे लोगों को अब चिन्हित करने का काम भी कर लिया गया है। इस योजना का फायदा अब बिहार सरकार अनुसूचित जाति, पिछड़े एवं अति पिछड़ा वार्ड के वैसे लोगों को दिया जाएगा जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता फिलहाल नहीं है। ऐसे लोगों को ही सरकारी स्तर पर अब जमीन मुहैया करवाने का काम होने वाला है। सरकार ने इसको लेकर सर्वे का काम भी शुरू करवाया था और इसकी एक सूची भी बना ली है, जिनका नाम वित्तीय वर्ष 2021-22 में शामिल हुआ था, लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब उन्हें ही इसका फायदा मिलने वाला है। इस योजना के तहत सूची में शामिल अब एक परिवार को 3 दशमलव जमीन देने की योजना का प्रावधान सरकार की तरफ से है। जाहिर है कि अब जमीन लेने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जमीन की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। इसलिए सरकार बिहार में वैसे जमीन को देने की कोशिश कर रही है जो जमीन गैर मजरुआ, सीलिंग या फिर भूदान की जमीन है। उसी जमीन में ऐसे परिवार वालों को बसाया जाएगा। अगर ऐसी जमीन नहीं मिलती है तो बिहार सरकार खुद से जमीन खरीद कर ऐसे परिवार वालों को देगी। एक अनुमान के मुताबिक 3 दशमलव जमीन पर सरकार ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए तक खर्च कर सकती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।